दिन स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फैराडे के विद्युतीय अपघटन या विच्छेदन के संबंध में जो नियम है इसके संबंध में। क्वेश्चन है फैराडे के विद्युतीय अपघटन से संबंधित नियमों का वर्णन करें। एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के विद्युतीय अपघटन के संबंध में दो प्रमुख नियम है। देयर आर टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस गिवन बाय फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युतीय अपघटन या विच्छेदन के संबंध में दो प्रमुख नियम बनाए जिनके आधार पर बहुत सारे जो केमिकल फिनोमेना है इनको डील किया जाता है। ये दोनों नियम निम्न प्रकार से हैं। फैराडे के विद्युतीय अपघटन के संबंध में जो नियम है इन नियमों को क्रमशः प्रथम नियम और द्वितीय नियम यानी फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। फैराडे के विद्युतीय अपघटन का जो पहला नियम है वो कहता है कि विद्युतीय अपघटन के दौरान मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युतीय परिमाण भी कहते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विद्युतीय अपघटन के दौरान मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के परिमाण के समानुपाती होता है, क्योंकि प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल को ही धारा का परिमाण भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सबस्टांस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड टाइम टेकन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो सबस्टांस जो मुक्त होते हैं डिपोजिट होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पर उसकी जो मात्रा होती है वो समानुपाती होती है उस धारा के जो उसके दौरान प्रवाहित की गई और उस समय के इन दोनों के गुणनफल के, अर्थात प्रवाहित धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। ऐसा पहला नियम करता है। अर्थात फैराडे के प्रथम नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि W समानुपाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन I इंटू टी। W बराबर जेड इंटू आई इंटू टी, जहाँ जेड एक कॉन्स्टेंट है या समानुपाती नियतांक को हटाकर रखा गया। यहाँ W किसको सूचित करता है तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान या विद्युतीय अपघटन के दौरान जितने भी पदार्थ मुक्त हुए उनको हम लोग W ग्राम से सूचित करते हैं। यानी कि यहाँ पर डिपोजिशन जो होता है वह इलेक्ट्रोड पर कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। मान लिया जाए इस पदार्थ का हमने इलेक्ट्रोड बनाया एनोड या कैथोड जो भी बनाया, इसको हम लोगों ने तौल लिया, कुछ देर विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हमने इसे तौला, जो भी अंतर आया इसके द्रव्यमान में उसी को हम लोग कहेंगे अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड। I बराबर प्रवाहित धारा यानी अप्लाइड करंट, T बराबर समय सेकेंड में यानी टाइम इन सेकेंड, और जेड एक कॉन्स्टेंट है एक नियतांक है जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। यह है फैराडे का पहला नियम। हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे। फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए वैद्युत अपघट के विलयन से एक ही परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द सेम इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सीरीज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांक भार या इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है अणुभार बटा में संयोजकता यानी मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। करा है श्रेणी क्रम में कई इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन जुड़े गए हों और उसमें हम लोग कोई इलेक्ट्रिक करंट ऐसा गुजारे जो एक ही परिमाण का हो और एक समान हो, तो ऐसे केसेस में जो भी अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिट होगा एनोड या कैथोड पर जो भी डिपोजिट करेंगे वो उस सबस्टांस के इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होंगे। अर्थात W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती पी, या इस समानुपाती को हम लोग इधर ले आएंगे तो W बाई बराबर एक नियतांक यानी कॉन्स्टेंट होगा, जहां W किसको सूचित करता है तो मुक्त पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड, और E इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक भार को सूचित करता है। इसी समीकरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं W1 बाई E1 बराबर W2 बाई E2। एक पदार्थ का वेट डिपोजिशन बटा उसका इक्विवेलेंट वेट बराबर दूसरे पदार्थ का वेट डिपोजिशन बटा उसका इक्विवेलेंट वेट, और इस प्रकार से ये जो समीकरण है इसी समीकरण का पूरक है, ये हर बार लगभग बराबर होंगे। ऐसा फैराडे का दूसरा नियम कहता है यानी मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ के तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। अगला सवाल है जो फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हम लोग आते हैं फैराडे के प्रथम नियम से, फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। W बराबर जेड आई टी, अब I के जगह पर 1 एम्पियर ले और T के जगह पर 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक हम प्रवाहित करते हैं, तो W
बराबर जेड, एक एम्पियर यानी एक और एक सेकेंड यानी एक, यानी डब्ल्यू बराबर जेड। तो जेड किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू के यानी मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के। तो जेड की परिभाषा हम लोग किस प्रकार दे सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक मुक्त हुए पदार्थ की वह मात्रा है, मुक्त हुए पदार्थ की वह मात्रा है जब एक एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक मुक्त हुए पदार्थ की वह मात्रा है जब एक एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। अर्थात हम लोग इसे इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड व्हेन वन एम्पियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड फॉर वन सेकेंड इट इज ऑब्टेन एज फॉलो। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक हम लोग इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जेड बराबर ए बटा में एन एफ, जहां ए क्या है तो जो अमाउंट डिपोजिट कर रहा है जिस एलिमेंट का, जिस तत्व का, उसका वो एटॉमिक वेट है यानी परमाणु द्रव्यमान है, इसे एटॉमिक मास भी हम लोग कहते हैं। इन वैलेंसी यानी संयोजकता है और एक फैराडे को सूचित करता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू लगभग 96,500 कूलम के बराबर होता है।